पूरे भारत में जहां आज हर तरफ जीएसटी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर वर्ग के व्यापारी अपने अपने तरीके से जीएसटी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक और जहां वाराणसी के सिगरा इलाके के भारत पेट्रोलियम के पंप वालों ने 2 घंटे अपने पंप को बंद किया, तो वही तमाम व्यापार मंडल के लोगों ने और बनारसी साड़ी व्यवसायियों ने भी जीएसटी के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से फांसी लगाकर जीएसटी का विरोध किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास ये एक तरफ से प्रतीकात्मक विरोध था। हाँ, फांसी इसलिए दे रहे हैं कि अरुण जेटली के रूप में ये व्यापारियों को हम फांसी दे रहे हैं कि अरुण जेटली तक ये हमारा आवाज पहुंच सके। अभी तक के पहले की जितने टैक्स दरें थी वो तो कुछ ठीक थी, लेकिन जो जीएसटी लगा है उसमें इस तरह से करों को लगाया गया है कि एक आम आदमी, आम व्यापारी इसको झेल नहीं सकता है। एक आम व्यापारी अपने व्यापार को करेगा कि वो दिन भर ऑफिसों के चक्कर लगाएगा, और कपड़ा व्यवसाय जो है वो बहुत ही छोटे वर्ग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मजदूर काम करता है और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस में बिकता है। यदि इस पर टैक्स लग जाएगा तो जो मजदूर है वो अपना काम करेगा कि वो जाके ऑफिसों के चक्कर लगाएगा। और इस पे इस क्रम में हमारे जो वित्त मंत्री जी है उन्होंने हमारे मरने तक को नहीं छोड़ा है, और उस पे कफन जो है उस पे भी टैक्स लगा दिया है। तो इससे उस कफन को हम लोग पहन के फांसी लगा रहे हैं, और ताकि उनको होश आए, उनको समझ आए कि वो गलत कर रहे हैं और उनको ये चीज वापस लेना चाहिए। अभी तक ये सरकारी विभाग भी इसको इस स्लैब को क्लियर नहीं कर पा रहा है, हम व्यापारियों को नहीं समझा पा रहा है कि ये किस कैटेगरी में क्या क्या आएगा। नित्य नए दिन नए नए स्लैब आते हैं, नए संशोधन होते हैं, और वो सारी चीजें चली जा रही हैं। पहले ये अधिकारी वित्त मंत्री हमारे क्लियर हो कि ये जीएसटी है क्या, उनको खुद नहीं समझ है। वो नए नए नियमों को लागू कर रहे हैं और रोज नए परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा आग्रह उनसे है कि वो कायदे से इत्मीनान से बैठे और पहले वो सारी चीजों को एकत्रित करें, सारे नियमों को बनाए, तब हमारे बीच में उसको लाए। हम फांसी लगाने में इसलिए मजबूर है कि जीएसटी पर अनाफराब जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो हम नमकीन व्यवसाय पूरी तरह से छोटे छोटे कुटीर उद्यमी हैं और हम लोग जो है खत्म हो जाएंगे। अनाफराब टैक्स लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हम जो है फांसी लगा रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है ये जो अनाप शनाप इससे टैक्स लगाए जा रहे हैं उस पर जो है उसको छूट करे, जो है इसको देखे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जा रहा है, इससे हम कुटिल उद्यमी जो है नमकीन व्यवसायी धीरे धीरे करके खत्म हो जा रहे हैं जो है। जिसका जिम्मेदार व्यापारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया गया कि वाराणसी में जीएसटी का व्यापक विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में आज पेट्रोल पंप से लेकर सभी प्रमुख बाजार बंद है। आज आप लोगों ने ये तेल की बंदी जो आज 30 जून 2017 रात 12 बजे से जो जीएसटी कर लागू होनी है, उसके संदर्भ में बनारस के सभी प्रतिष्ठान पेट्रोल पंप सुबह 10 से 12 बजे के बीच में बंद होने का ऑन किए हैं। ऐसे करीब 84 मंडल प्रतिष्ठानों की बंदी का ऑन किया। पेट्रोल पंप की बंदी से राहगीरों को और वाहन चालकों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? बहुत ही दिक्कत हो रही है, लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप से, तेल नहीं मिल रहा, तो उनको असुविधा महसूस हो रही है। इधर उधर लोग भटक रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग यही मांगे हैं कि जो पहले जैसे चलता था उसी तरह चलता रहे, इस तरीके से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, ये चीज़ ना हो। जल्दबाजी में जीएसटी लागू, जल्दबाजी में है, इसके लिए कुछ समय। आज अपने जीएसटी का विरोध हो रहा है, आप सामने देखिए व्यापारियों ने गले में फंदा लगाया हुआ है और वित्त मंत्री हमारे देश के उनको जो है फांसी लगा रहे हैं। जीएसटी इस समय व्यापारियों पे फांसी के फंदे का काम कर रही है। आज कम से कम 100 संगठनों से ऊपर बनारस वालों ने बंद किया है। भारत बंद है, प्रदेश बंद है।